हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। तो ऑलरेडी हम लोग ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिया था। यहाँ पर हम लोगों ने रिलेशन पहचाना था अकॉर्डिंग टू मी कंसेप्ट से, ये वाला एरिया है ना, कि अगर मैं देखूं कि मेरे रिलेशन फादर और मदर के जो मम्मी पापा होंगे वो मेरे क्या कहलाएंगे, मेरे मम्मी पापा के जो भाई या उनकी जो बहन होंगी वो मेरे क्या कहलाएंगे, उनके बच्चे जो हैं वो मेरे क्या कहलाएंगे, तो मेरी वाइफ, हम, मैं और मेरी वाइफ के जब बच्चे होंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, और उनकी जो पत्नी या उनके जो पति होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, है ना। हमारा जो भाई है, हमारी जो बहन है, उनकी उनकी पत्नी या उनका पति क्या हमारा कहलाएंगे, और हमारे जो बच्चे हैं उनके अगर बच्चे होते हैं या हमारे भाई बहन के बच्चे होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, ये सब हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में अच्छे से कवर किया था। एंड आई बिलीव आपको ये चीजें क्लियर है, am I right? तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ये भी हमने कवर किया था कि हमें यहाँ पर हम थर्ड जनरेशन में आते हैं हमेशा। जो भी बंदा कभी भी अपने आप को इमेजिन करता है तो वो हमेशा थर्ड जनरेशन में बैठा है। तो जो भी उसके पैरेलल चल रही हैं वो एज के हैं वो थर्ड जनरेशन में आएंगे, और जो उनसे बड़े हैं वो सेकेंड या फिर फर्स्ट जनरेशन में आएंगे, ठीक है कि नहीं है? तो एक शॉर्ट में जस्ट देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन आएंगे। ऑफकोर्स हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी। सेकेंड जनरेशन में कौन आएंगे? हमारे माता पिता, हमारे अंकल आंटी, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में कौन आएंगे? ऑफकोर्स हम आएंगे, हमारी बहन आएगी, हमारा भाई आएगा, उनके पति या उनकी पत्नी आएगी, और हमारी बीबी आएगी, है ना। और जो हमने सेकेंड जनरेशन में अंकल आंटी कहे थे उनके जो बच्चे होंगे वो हमारे कजिन्स होंगे, वो थर्ड जनरेशन में आएंगे। ये हमने कवर किया है बहुत अच्छे से कंसेप्ट में। ये जस्ट एक शॉर्ट रिकैप चल रहा है। तो फोर्थ जनरेशन में कौन आएगा? हमारी आने वाली पीढ़ी। हमारी आने वाली पीढ़ी में कौन होंगी? हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन के बच्चे या हमारे कजिन, जो भी वो भी हमारे भाई बहन है उनके बच्चे, एम आई राइट? तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे बच्चे कहलाएंगे, ठीक है कि नहीं? उनकी शादी होगी तो उनके ब्रदर, डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ कहलाएंगे, या फिर नीस और नेप्यू कहलाएंगे, एम आई राइट? और जब उनकी जनरेशन होगी तो उनके जो बच्चे हैं हमारे क्या कहलाएंगे? ऑफ कोर्स ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर कहलाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखो ना, शुरू हुआ ग्रैंडफादर से, एंड हुआ ग्रैंडसन से। इज दैट क्लियर और नॉट? नॉर्मली फोर जनरेशन तक देखा जाता है, लेकिन जस्ट मैंने आपके एडिशनल नॉलेज के लिए फिफ्थ जनरेशन भी रखा हुआ। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलो अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज। और याद रखिएगा, मैंने कंसेप्ट वाले वीडियो में आपको डायग्राम के बारे में बताया था, यहाँ पर आपको बहुत जगह पर डायग्राम बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट विल बी, व्हाट इज आवर फर्स्ट एमसीक्यू? ध्यान से सुनिएगा। अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एंड सेज, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। ये उसका स्टेटमेंट है। द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर। अब सवाल पूछा गया है हमसे, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर? सर, काफी कुछ वर्ड्स इसमें आए हैं, जल्दी कैच नहीं हो पा रहा है। यस ऑफ कोर्स, तो हमें उसे ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है अ मैन, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है मैन, ठीक है? तो मैन पॉइंटिंग कर रहा है फोटोग्राफ में, और वो फोटोग्राफ में कौन है? लेडी है ना। तो लेडी जो फोटोग्राफ में है वो कह रही है कि द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज, नेफ्यू आपको पता है फोर्थ जनरेशन में, नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब वो जो औरत है वो मेरे नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब नानी है। तो अगर वो उसकी नानी है और नेफ्यू बीच में आया है, तो आप देख रहे हो मैं हूं, मेरे नीचे नेफ्यू है, बराबर? तो मेरे ऊपर ही उनके ग्रैंड मदर्स आएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ रहा है तो हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है? तो देखो यहां पर क्या बोला, और ऊपर से साथ में क्या बोला है, हाउ इज द लेडी जो असल में नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है, तो वो जो लेडी है वो जो मैन की सिस्टर है, मतलब यहां पर मैन कह रहा है ऐसी ऐसी बातें, लेकिन जो मैन की सिस्टर है उसकी कोई और सिस्टर नहीं है, मतलब एकलौती बहन, उसकी वो क्या कहलाएगी? एक तो आपको मैं बताऊं एकदम इजी है, लेकिन यस डेफिनेटली हम थोड़ा क्रैक करते हैं। तो चलो सॉल्यूशन में मैन हाइलाइटेड था, तो मैन बोलता है लेडी के बारे में, तो उसमें हमने नेफ्यू भी देखा और मैटरनल ग्रैंड मदर भी देखा। तो नेफ्यू कहाँ आएगा? मैन के नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? जनरेशन वाइज नीचे आएगा,
तो देखो यहाँ पर नेफ्यू जनरेशन वाइज नीचे आया है और नेफ्यू की ग्रैंड मदर बोला है तो डेफिनेटली ये इस लेवल पे आएगा, बराबर क्या नहीं है। तो अब देखो डायग्राम से आपको समझ में आ गया है कि अगर ये नेफ्यू है और ये इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर है तो ये मैन की डेफिनेटली क्या कहलाए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेफ्यू बोला है तो इसकी सिस्टर होगी, है ना, इसकी सिस्टर होगी तभी तो इसके इसका कोई नेफ्यू होगा। तो यहां पर ये जो औरत है कोई और नहीं, कौन होगी कि माँ होगी। इज दैट क्लियर। वापस से क्वेश्चन देखो, आराम से चीज समझ में आएगा। अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज, देखो ये फोटोग्राफ है ठीक है, दिस लेडी, ये जो लेडी है, दिस लेडी इन द फोटोग्राफ इज माई नेफ्यूज। तो देखो डायग्राम यहां दिख रहा है ना, ये नेफ्यू होगी, माई नेफ्यूज। तो माई नेफ्यू मतलब क्या हुआ, मैन के लिए नेफ्यू है ना, तो ये मैन के लिए नेफ्यू। ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो ये नेफ्यू की ये कौन है, मैटरनल ग्रैंड मदर है। इतना तो समझ में आ गया। अब बोलता है हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर। तो मैन की सिस्टर, तो मतलब मैन की सिस्टर बोलेगा तो बाजू में ही आएगा, सेम एज है। तो अब मुझे बताओ ये दोनों सेम एज में बैठे हुए हैं और ये इसके ऊपर बैठा हुआ है, तो बैठी हुई है लेडी, तो डेफिनेटली ये कौन होगी, इसकी माँ होगी। मतलब इस मैन की या सिस्टर की बात करो तो वो क्या हो गई, माँ होगी। इज दैट क्लियर और नॉट, इजी, दैट्स ग्रेट, अच्छे से समझना है। तो देखो यहां पर लिखा भी वही बात है, एज पर क्वेश्चन फॉर मैन सिस्टर सन इज नेफ्यू, ये तो ऑलरेडी दिया है, एंड मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ नेफ्यू, मैटरनल ग्रांड मदर ऑफ नेफ्यू क्या होगा, सिस्टर सन, मीन्स मदर ऑफ द मदर, मदर ऑफ द मदर ऑफ मैन सिस्टर सन। ये जो वर्ड्स है ना बहुत दिमाग को परेशान कर देते हैं, मदर ऑफ, मदर ऑफ, मदर ऑफ द मदर ऑफ मैन सिस्टर सन, है ना, इसलिए जल्दी क्रैक नहीं होता है। लेकिन आराम से पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाता है कि जवाब क्या है। तो द लेडी इज द मैंस मदर, ठीक है, तो वो जो औरत है उस आदमी की माँ है या फिर उस लड़की सिस्टर की माँ है, ऐसा बोला, इसलिए ऑप्शन ए मदर इज द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली हमने यहां पर आंसर फाइंड आउट करी हुई है ना, तो ये मदर आंसर आएगा। तो प्लीज आप इसको फोकस ना करें, आप ना डायग्राम को फोकस करें, जनरेशन वाइज बनाएं, ठीक है, तो जल्दी आसानी से बात समझ में आएगा। आप इसको पॉज करें और आराम से देखें ये डायग्राम को, आपको जल्दी कैच होगा, और एक बार आपने ये डायग्राम का पैटर्न समझ लिया आपको इजीली क्रैक करने का हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, चलो आगे बढ़े, दैट्स ग्रेट। चलो अब आप डायग्राम से इसको क्रैक करो, ठीक है, और जब आपका क्रैक हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है, उसके बाद हम लोग जो है मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा और उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। चलो आई बिलीव आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, चलो कंप्लीट हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। इफ अरुण सेज, अरुण बोलता है विमल्स मदर, विमल की माँ, विमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, डॉटर ऑफ माय मदर, ये देखो माय मदर, अरुण की माय मदर है ना, अरुण की माँ, कैच हो गया, अरुण और अरुण की माँ कैच हो गया, और अरुण की माँ की एक ही डॉटर है, कहने का मतलब अरुण और ये डॉटर भाई बहन हो गए, देखो इधर ही क्रैक हो गया, विमल्स मदर, तो ये जो अरुण की बहन है वो विमल की मदर कहलाती है, कितना आसान हो गया है, चलो ठीक है। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू मदर, सॉरी विमल, अरे भाई बहन का लड़का क्या कहलाएगा, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, नन ऑफ दिस, फादर कहलाएगा, ब्रदर कहलाएगा, ग्रैंडफादर, नन ऑफ दिस ही आएगा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसी को डायग्राम में करो, प्रैक्टिस करो डायग्राम का, बहुत अच्छा गिरेगा। चलो डायग्राम करें, अरुण को हाईलाइट करते हैं, अरुण इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरुण कह रहा है, अरुण सेज विमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, तो माय मदर, तो देखो अरुण की माँ, माय मदर वाला कंसेप्ट कवर हो गया, माय मदर कवर हो गया, ओनली डॉटर, डॉटर है, मेरी माँ की डॉटर है, तो देखो ये डॉटर आ गई, तो ये डॉटर आ गई, तो इन दोनों के बीच में सिस्टर का रिलेशन बन गया, और यही जो डॉटर है वो विमल की माँ है। इज दैट क्लियर। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको समझ में आ गया है, क्या है, ब्रदर सिस्टर का है। तो अरुण रिलेटेड टू विमल, तो भैया अगर ये दोनों भाई बहन हैं और उसकी बहन का विमल लड़का है तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, अंकल और नेफ्यू का ही होगा ना, देखो ही इज मैटरनल अंकल, क्यों मैटरनल, क्योंकि बहन का लड़का है। इज दैट क्लियर और नॉट, तो हमने तो क्रैक कर लिया, ही इज मैटरनल अंकल, मतलब अंकल बोलो या मैटरनल अंकल बोलो फिलहाल, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया। इज दैट क्लियर और नॉट। और हाँ अगर बाई चांस इसमें सिर्फ अंकल दिया होता तो मैं आपको सजेस्ट करता
कि आप जो है ना मैटरनल अंकल को ही प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन आप पढ़ लीजिएगा। मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है ये कंसेप्ट, ठीक है कि नहीं है, ये मेरा नजरिया है। आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, और नहीं समझा तो डायग्राम भी यहाँ पर रखा है। तो दोनों आपके पास तरीका है, या तो आप लिखकर क्रैक करो या तो डायग्राम बनाकर। डायग्राम में बस जनरेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि माँ है तो ऊपर आएगा, बेटा है तो नीचे आएगा, ग्रैंडसन है तो और नीचे आएगा, ऐसा कर सकते, बहन है तो साथ में आएगा, ऐसा कर सकते, ठीक है। सो हेंस ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर हमको मैटरनल अंकल फाइंड आउट करना है और मैटरनल अंकल ही हमको मिले नहीं इस ऑप्शन। चलो आगे बढ़े, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू, धीरे धीरे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते चले जाता है। पॉइंटिंग टू अ मैन, किसी पॉइंट, किसी मैन को फोटोग्राफ में पॉइंट कर रहे हैं कि ये जो आदमी है इस फोटोग्राफ में कौन, आशा सेड। ओके, तो आशा जो है एक फोटोग्राफ में एक आदमी को पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है। मतलब आशा उस आदमी के बारे में कह रही है, क्या कह रही है कि हिज मदर्स, इस आदमी की जो माँ है, ओनली डॉटर इज माय मदर। आशा कह रही है, देखो यहां पर माय मदर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि आशा बोल रही है ना, तो आशा के रिलेटेड कौन है, आशा माय मदर, तो आशा की माँ है ना। आशा की जो माँ है उसकी भी बेटी या उसका भी बेटा होगा, तो क्या बोलता है, ओनली डॉटर इज माई मदर, ठीक है, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। तो आप देख रहे हो क्या कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि ये जो आदमी है ना, इस आदमी की जो माँ है ना, वो ओनली डॉटर इज माई मदर। तो देखो यहां पर चीजें कैसे समझाना है, और हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन। तो देखो एकदम सिंपल हो जाएगा, डायग्राम पे चलते हैं। आशा और हमने माँ को कवर किया है, तो देखो आशा की माँ है ना, और 1A, देखो 1AB ऐसा भी लिखा हो तो समझ जाओगे आप। देखो आशा ने इस फोटो में एक आदमी को हाईलाइट किया है और बोला है हिज मदर्स, हिज मदर मतलब बताओ इस फोटो में अगर इसकी माँ बोला गया तो इसके ऊपर रहेगी वो जनरेशन वाइज, एम आर राइट। चलो ये एक बन गया, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। अच्छा, तो आशा की भी अपनी माँ है, तो आशा की माँ ऑफकोर्स इसके ऊपर होगी, ना कि और ऊपर जनरेशन में होगी। तो देखो आशा की माँ यहां पर आ गई, तो यहां पर आप देख रहे हो दोनों एक ही लेवल में आ गए, नोटिस किया आपने, यहां पर एक ही लेवल में आ गया। तो देखो आगे क्या आंसर निकला, ये दोनों क्या बन गए, ब्रदर सिस्टर। तो हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, कितना आसान हो गया। बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, फादर मदर और भी रिलेशन डाल सकते हो, लेकिन उतना ही डालना है जितना आपको जरूरत है, जितना बोला गया है। देखो ना क्वेश्चन में His mother's, his mother मतलब ये, his mother's only daughter, तो भैया ये daughter हो गई ना, only daughter is my mother, देखो connection आ गया ना। तो अगर ये daughter है तो ये इसका son है, तो son and daughter में relation क्या आएगा, brother sister का ही आएगा, और ये daughter की बेटी है आशा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सन एंड डॉटर में रिलेशन निकालना था, तो क्या निकल गया, ब्रदर सिस्टर का। तो हाउ इज आशा रिलेट, अच्छा हाँ सॉरी, हाउ इज आशा रिलेटेड टू दैट मैन, तो भाई मेरे आशा को इस रिलेशन से मैच करना है, तो मुझे बताओ आशा इस आदमी के हिसाब से देखोगे तो उसकी बहन की बेटी है ना, तो मैटरनल रिलेशन आ गया कि नहीं। तो देखो हिज नीस, क्योंकि वो क्या है, मैटरनल अंकल है, तो ये उसकी क्या निकल गई, लड़की है, तो नीस, लड़का होता तो नेफी। इज दैट क्लियर, So, यहां पर नीस आंसर आएगा, प्लीज समझना, आशा लड़की है तो नीस आएगा, नेफ्यू नहीं आएगा। इज दैट क्लियर, तो ये प्लीज आप पढ़ लेना। मैंने वैसे कहा कि मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, लेकिन आप इसे पढ़िएगा, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन है, राइटिंग में भी लिखा हुआ है और आपके पास डायग्राम भी है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, डायग्राम से भी करो, राइटिंग से भी करो, जल्दी आपको कैच होना शुरू हो जाएगा। इमेजिनेशन बहुत मैटर करता है, तो डेफिनेटली हम डायग्राम पे ज्यादा रिलीव करते हैं, एक बार ये चीज हो गई तो फटाफट आंसर पैक हो जाता है। तो देखो आंसर भी दिया ऑप्शन सी, नीस इज द करेक्ट। सो आई बिलीव आपको बात समझ में आ गई है, क्योंकि हमने कंसेप्ट इसको बहुत अच्छे से कवर किया, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल क्या है, एमसीक्यूज में है, तो थोड़ा स्पीड भी पकड़ना पड़ता है। चलो आगे बढ़े, दैट्स ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू क्या दिया है, अ मैन सेड टू अ लेडी, मैन एक लेडी से कहता है, यूअर मदर, मतलब लेडी को हाईलाइट कर रहा है, यूअर मदर्स हस्बैंड, मदर्स हस्बैंड कौन होगा, फादर होगा, हस्बैंड सिस्टर, तो अगर ये फादर निकल गया तो फादर की सिस्टर कौन कहलाएगा, बुआ,
इज माई आंट। और मदर और मैन और लेडी बोला, देखो साथ में है मैन और लेडी, बॉय बेबी ऐसा कुछ बोला नहीं, तो साथ के ही आ गया। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन? बहुत आसान है, डायग्राम सही करते हैं आपको क्रैक करने के लिए। चलो, मैन और लेडी को साथ में क्यों रखा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैन और लेडी बोला है, मैन या वुमन बोला तो सेम कैटेगरी में आएगा, और कहीं ना कहीं यहां पर ये चीजों से भी समझ में आ गया। तो ये आदमी लेडी को बोलता है यूअर, ये आदमी लेडी को बोलता है यूअर मदर्स हस्बैंड। तो भैया मदर हस्बैंड मतलब कौन होगा? फादर होगा। तो देखो फादर कहलाया, हर मदर्स हस्बैंड आया ना, उसकी सिस्टर है, तो भैया फादर की सिस्टर। देखो वन ए के बाद हम कहां गए, वन बी में, सिस्टर है। इज माय आंट, तो मैन बोलता है वो मेरी आंटी है, तो ऑफ कोर्स आंटी होगी है ना। तो ये कौन हो गई? आंटी हो गई। तो अभी आप मेरे को बताओ, ये दोनों एक ही लेवल पे बैठे हैं और ये इसकी आंटी है, तो हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन? क्या आएगा आंसर? सिस्टर ही आएगा ना, क्योंकि फादर तो दोनों का फादर सेम ही होगा। दैट्स ग्रेट, जल्दी क्रैक करना है, ठीक है? तो देखो ये लंबी चौड़ी चीजें यहाँ आपको लिखी है, लेकिन अच्छे से लिखी है, आप आराम से इसको पढ़ो, समझो, बाजू में डायग्राम भी है। इज दैट क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या निकाल लिया कि मैन और लेडी में रिलेशन क्या है, उसकी वो सिस्टर लगती, तो यहाँ पर ही सिस्टर ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़े, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा पेचीदा भी है। How is X related to Y? मतलब X और Y में रिलेशन निकालना है। सर आपने एंडिंग क्यों पढ़ा? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो आपको कंफर्ट जोन में लेके ला रहा हूं कि X और Y में रिलेशन पहचान। If X is brother of son of Y's son, son of Y's son, Y's son, Y का बेटा, तो ये फादर और बेटे का रिलेशन आ गया है ना। तो ये अगर फादर है, ये बेटा है, son of Y's son, तो समझ रहे हो, बेटे का भी बेटा है, तो ये ग्रांड सन में आ गया ना, ये ग्रांड सन में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, तो जल्दी से समझना चीजों को, तो इसीलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से क्रैक करते हैं, X और Y पर रिलेशन निकालना है। तो देखो X, ध्यान से देखना, ये Y है, ठीक है? क्यों? Y's son बोला है ना, तो यहां पर देखो Y's son मतलब क्या हुआ, Y फादर बन गया और सन क्या बन गया, सनी है, तो सन का सन क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन, क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन। तो देख रहे हो क्या, वाई सन का सन बोला ना, तो वाइस का सन क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन कहलाएगा। एकदम शॉर्ट मारना है, हम चाहें तो इसमें एक और सन को क्रिएट कर सकते हैं, यहां पर एक सन को क्रिएट कर सकते हैं, वाई सन है ना, और उसका फिर बेटा, लेकिन जरूरत नहीं है डियर। तो यहां पर क्रैक करो वाई सन, तो वाई सन मतलब बेटा हो गया वाई का, और उसका सन, बेटे का सन क्या कहलाएगा, ऑफ कोर्स ग्रैंड सन कहलाएगा, तो ग्रैंड सन आ गया। तो अब आप देखो यहां पर ब्रदर वर्ड डाल दिया ना, समझ रहे हैं? तो देखो यहां पर आंसर भी मिल गया है कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, ब्रदर हो गए। तो भैया जवाब मिल चुका है, एक्स एंड वाई क्या रिलेशन में आ गए, यहां पर ये भी क्या कहलाएगा, ऑफ कोर्स ग्रैंड सन ही कहलाएगा। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, समझ रहे हैं ना, ये सेम पैटर्न में आ गए। तो अब मुझे बताओ, अगर ये इसका भाई है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बोला है एक्स इज द ब्रदर, तो अगर ये भाई है, तो अगर ये ऑलरेडी ग्रैंडसन है, तो ग्रैंडसन का भाई भी इसका ग्रैंडसन ही कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तुम्हारा आंसर है। तो यहाँ पर पैटर्न दिया है, आराम से समझ लो, आपके पास डायग्राम भी है और आपके पास कंटेंट में लिखा हुआ भी है, दोनों से क्रैक करो। तो यहाँ पर हमको ग्रैंडसन मिल चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, वाई हियर इज वॉट, ग्रैंड फादर है ना। तो अगर ये ग्रैंड फादर है और ये ग्रैंड सन है और ये ग्रैंड सन का ब्रदर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ग्रैंड सन ही कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन ये है कि हमको ध्यान बहुत जरूर रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिक्स वन क्या बोला है, ए एंड बी आर ब्रदर, सेम सेम में आगे, सेम लेवल, सेम जनरेशन, सी एंड डी आर सिस्टर, वो भी सेम जनरेशन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ए एंड बी सेम जनरेशन है और सी एंड डी एक सेम जनरेशन है, तो दोनों सेम जनरेशन में ये अप एंड डाउन है, वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना है कि ए एंड बी जो है ब्रदर है और सी एंड डी क्या है, सिस्टर है। एज सन, ए का जो लड़का है वो डी का ब्रदर है। देखो ये दोनों एक ही लाइन में नहीं है, कैसे? ए का जो लड़का है, ए का जो लड़का है उसका जो बेटा है वो डी का भाई है, डी का भाई है, इससे समझ रहा है,
ए डी के बीच में रिलेशन बाप बेटे का, बाप बेटी का, हाँ, तो हाउस बी इज रिलेटेड टू सी, एकदम सिंपल है, लेकिन मैं आपको डायग्राम से बताना चाहता हूँ। चलो ठीक है, क्रैक हो चुके हैं चीजें। ए और बी ब्रदर है, वन ए है ना, ये देखो ये वाला कवर हो गया, दोनों क्या है, ब्रदर है। अब सी एंड डी को हम साथ में इनके नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और डी का रिलेशन हमको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, चल चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसकी वजह से हमको अगला स्टेप मिला। तो यहाँ पर हमने देखो सी एंड डी, देखो ये वाला एरिया देखो, पहले सी एंड डी सिस्टर, ये देखो सी एंड डी सिस्टर है, दैट इज वन बी, वन ए के बाद हमने वन बी फाइंड आउट किया। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर। अब यहाँ पर क्या बोला है, ए सन इज डीज ब्रदर, तो ए का सन बनाना पड़ेगा। तो देखो ए का सन और डी का भाई भी होना चाहिए, तो वो इसी लाइन में आ जाएगा, देखो सी आ गया। तो अगर ये इसका सन है तो यही इसका क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। तो देखो ये सब एक ही पैरेलल में आ गए। तो आप मुझे बताओ, ए का अगर ये सन है तो ये ए की डॉटर होगी, दोनों सिस्टर है तो ये भी क्या होगी, डॉटर होगी। तो और ये ए, ये दोनों भाई हैं तो ये बाय डिफॉल्ट अंकल हो गया कि नहीं हो गया। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, ठीक है बी और सी में देखो तो भैया ये अंकल हो गया और ये क्या हो गई, मिस हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है आंसर, क्योंकि बी का सी से रिलेशन पूछा है तो अंकल बोला है, तो आंसर आएगा डी। यस, यहां पर देखो लिखा भी है मैंने हर अंकल, सो ये आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ऑप्शन डी अंकल इज द करेक्ट आंसर। अपने को एग्जाम में थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, लेकिन प्लीज आप इसको पॉज करो, वापस पीछे जाओ, वापस देखो, जल्दी समझ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। एक चीज को 10 बार देखो ना, क्या प्रॉब्लम, इज दैट क्लियर। आगे बढ़े, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर बहुत सारे रिलेशंस आ जाएंगे, लेकिन डियर ये रिलेशंस आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना घर पर। यहां पर मैं आपको जो लिखा गया उससे रिलेटेड मेन मेन चीजें उठाकर इनका इनसे क्या रिलेशन बन सकता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा भी अगर आप डायग्राम में डाल दो ना तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो आई बिलीव आपको मेरी बात समझ रही है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं और आप इसको अपने आप समझो, खुद से सॉल्व करो, खुद से डायग्राम बनाओ और फिर मेरे डायग्राम के साथ मैच करके देखो, फिर और अच्छे से समझ में आएगा हमने कहां गलती की। ठीक है, अ वुमन गोइंग विथ अ बॉय, देखो वुमन बॉय, देख रहे हो, वुमन मैन नहीं बोला, नहीं तो सेम लेवल में आ सकते थे, वुमन बॉय बोला तो वुमन अगर इधर है तो बॉय नीचे रहेगा जनरेशन वाइज। अब तो डायग्राम का एक एरिया समझता है, अ वुमन गोइंग विथ अ बॉय इज आस्क्ड बाय अनदर वुमन, वुमन के साथ कोई फ्रेंड होगी उसकी, उसने पूछा अबाउट द रिलेशन बिटवीन देम, मतलब एक औरत ने एक औरत को पूछा कि तुम्हारा और इस बच्चे के साथ क्या रिलेशन, इतना तो क्रैक हो गया। तो उसने रिप्लाई किया, जो औरत उस बच्चे के साथ जा रही थी उसने दूसरी वुमन को रिप्लाई किया। ये लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेचीदा है लेकिन इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। माय मैटरनल अंकल मतलब मेरे मामा एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल, मतलब ये जो लड़का है इसके जो मामा है उसके मामा के जो अंकल हैं, आप समझ रहे हो, ये देखो ये हाईलाइट कर देता हूं मैं इससे, तो आप समझ रहे हो उसने क्या बोला कि मेरे जो मामा हैं और इसके मामा के जो अंकल हैं वो दोनों इंसान सेम है, वो दोनों इंसान सेम। सिर के बाल मत खींचो इसको थोड़ा चैलेंज लेकर करो, क्योंकि मैंने भी इसको क्रैक करने की काफी कोशिश किया, फाइनल क्रैक हुआ, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कि नहीं है, बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है समझ में आया, उस औरत ने कहा कि मेरे जो मामा है और इस बच्चे के जो मामा के जो अंकल हैं, अब मैं अंकल वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर वो अंकल कहीं ना कहीं चाचा हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां मैटरनल अंकल और अंकल वर्ड यूज किया है, समझा। तो इसके जो, तो अभी वापस मैं बोल देता हूं, इस हिंदी में कहता हूं, ये कह रही है कि मेरे जो मामा है इस लड़के के, एक मिनट, इस मेरे जो मामा है और इसके जो मामा है उसके चाचा, मतलब इस लड़के के मामा के चाचा और मेरे मामा वो सेम आदमी, बस इतना बोला तो अपने को समझना है कि ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो इंटरेस्टिंग है, चलो जितना बोला उससे क्रैक करते हैं, आ जाए डायग्राम में। चलो वुमन और बॉय मुझे बताओ मैंने अप एंड डाउन क्यों रखा, इतना तो समझ में आ गया होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लूंगा, ठीक है, ज्यादा रिलेशंस नहीं खोलूंगा मैं।
तो यहाँ पर जितना बोला उसी पे देखते हैं। चलो प्लीज आ जाओ। वुमन और बॉय मैंने नीचे क्यों रखा है, बॉय नीचे क्यों रखा है, इतना तो समझ में आ गया क्योंकि बॉय बोला है। बच्चा बोला तो ऑफकोर्स बेटा हो सकता है, नेफी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सेम लाइन पे तो नहीं आए, है ना। ये भी देखो, ये भी हिंट है अपने लिए कि चलो कहीं बेटा या नेफी या कुछ तो आएगा वो। ठीक है, वुमन बॉय हो गया। अब औरत का जवाब सुनो, माय मैटरनल अंकल। पहले देखो माय मैटर, इस पे फोकस करो, माय मैटरनल अंकल। वुमन का अंकल उसकी जनरेशन के ऊपर होगा, तो देखो यहाँ पर 1A। ये जो आदमी है, प्लीज ध्यान से देना, ये जो आदमी है इसका मामा है। लेकिन उस लड़के के लिए क्या बोला कि इसके जो मामा है उसके वो चाचा लगेंगे, यही आदमी। तो देखो यहाँ पर बॉय में देखो 1B, इसके एक अंकल बना दिए हमने। अब अंकल बना दिए, सेम पैरेलल लाइन में ही बनेंगे, नेचुरल है क्योंकि इसके ऊपर की जनरेशन है फिलहाल हम। और इसके जो अंकल हैं, तो इस मैटरनल अंकल के जो अंकल हैं, ठीक है, वो दोनों सेम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, वुमन का मैटरनल अंकल और बॉय के मैटरनल अंकल का अंकल, ये सेम एक ही बनता है। इज दैट क्लियर? अब अपने को फाइंड आउट करना है। देखो इतनी चीजें अपने को समझ में आ गई है ना, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का कि इनके मम्मी पापा को भी आप खंगालो। अब आप देखो, इसके मैटरनल अंकल यहाँ है और बॉय के मैटरनल अंकल यहाँ है। इन दोनों के बीच में हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है यहाँ पर, इसके ये अंकल लग जाते हैं और ये मैटरनल अंकल लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना सकते। तो बीच में कोई ना कोई होगा। अब कोई ना कोई होगा कैसे? ये मैटरनल अंकल बोला है, मतलब ये मामा है। तो ये जो लड़का है, इसको मामा बोला है, तो मतलब इसकी बहन होगी। क्या होगी यहाँ पर? बहन होगी, सिस्टर होगी। और नेचुरली मामा बोला है, तो इसकी जो सिस्टर होगी उसका ये लड़का होगा। देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक योर टाइम। अब देखो ये तो आसान हो गया, ये दोनों का रिलेशन बन चुका है। और ये देखो, ये दोनों का रिलेशन बन चुका है, ये दोनों का रिलेशन बन चुका है। और यहीं पर एक वुमन अलग से उनके पैरेलल बैठी है। तो मुझे बताओ, भाई बहन पैरेलल होंगे तो यहां पर कजिन भी तो पैरेलल होगी। और देखो ऊपर मैटरनल अंकल और अंकल से एकदम परफेक्ट सब मैच हो जाएगा। ऊपर की रिश्ते नहीं खोलूंगा मैं, इतना अपना माइंड शार्प होना चाहिए, इतना अपने पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता। तो ये वुमन कहीं ना कहीं इनकी क्या बन जाएगी? कजिन। और कजिन बन गई तो भैया इसका सन है, तो इसका क्या बन जाएगा? वो नेफ्यू बन जाएगा। तो देखो ये कजिन कहलाई। तो इन दोनों के बीच में प्लीज ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में आंट एंड नेफ्यू का रिलेशन। इंटरेस्टिंग है ना? अब यहां पर कैसे फाइंड आउट हुआ? देखो मदर एंड सन तो नहीं होगा, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। ग्रैंड सन एंड ऑफकोर्स नहीं होगा, नन ऑफ दिस के पहले भी हम बी देखते हैं। तो देखो ये आंटी कहलाएगी और ये क्या कहलाएगा? नेफ्यू कहलाएगा। तो बी आंसर इज द परफेक्ट। अब इसकी कुछ बातें रिटन में यहां लिखी, ये आराम से आप देख लो, समझती बहुत अच्छी बात है, समझना चाहिए, नहीं तो डायग्राम से क्रैक करो। और आंसर आएगा ऑप्शन बी, आंट एंड नेफ्यू इज द करेक्ट आंसर। सो आई बिलीव विद द हेल्प ऑफ 7 MCQs आपको एक चीज समझ में आ गई कि ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन रिलेशंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी आपके कुछ बहुत चीज, कई लोगों को बहुत चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वापस देखो। अब होगा क्या मजेदार बात मालूम है? एक हफ्ते बाद वापस देखोगे ना तो थोड़ा सा क्रैक नहीं होगा। तो इसीलिए इनको आप देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो की यही खासियत है, ठीक है। तो चलो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। सो टिल देन हौसले बुलंद एंड कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू एंड बाय।